हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी लाइफ स्टोरी वीडियोस लाती रहती हूं, और आपको उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब यानी ग्लैम अप को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो वीडियो देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। मेघा चक्रवर्ती काटेलाल सन से पॉपुलर हुई है, पर उससे पहले भी वो कृष्णा चली लंदन से व्यूअर्स के बीच अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही थी। इस वीडियो में मैं शुभी आपको बताऊंगी कि मेघा को किस तरह अनएक्सपेक्टेडली पूजा पांडाल से टीवी शो की लीड एक्ट्रेस के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। उनका स्ट्रीट डॉग को मुंबई से कोलकाता ले जाने का एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा, उनके स्कूल लाइफ में एक लड़के को पीट देने का इंसिडेंट और शाहरुख खान से मिल पाने का एक फैन मोमेंट जैसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। मेघा चक्रवर्ती का जन्म 3 मई 1991 को कोलकाता वेस्ट बंगाल की एक बंगाली फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनके एक भाई भी हैं जो उम्र में उनसे काफी बड़े हैं, और इसी वजह से मेघा उनको बचपन में कभी परेशान नहीं कर पाती थी जितना उन्होंने अपने कजिन ब्रदर्स को परेशान किया है। दरअसल मेघा ज्वाइंट फैमिली में रहा करती थी, ऐसे में वो अपने कजिन ब्रदर से काफी क्लोज थी और वो आपस में काफी फाइट्स किया करते थे। पर उनके बड़े भाई वो बेचारे मेघा की शिकायतों का शिकार हो जाते थे, क्योंकि मेघा से उम्र में काफी छोटी थी और पेरेंट्स उन्हें काफी पैम्पर करके रखा करते थे। उनके इन्हीं शैतानी और चुलबुले से नेचर की वजह से आज भी मेघा का कॉमेडी से जुड़ाव ज्यादा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। मेघा ने अपने स्कूलिंग जोधपुर पार्क गर्ल्स स्कूल कोलकाता से करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। बचपन में जब मेघा केजी क्लास में थी तभी पहली बार उन्होंने अपनी क्लास के एक लड़के को बिठा कर पिटाई कर दी थी, और तभी से ही मेघा काफी बोल्ड भी रही है। वो यूं था कि उनका वो क्लास मेड उनको बहुत परेशान किया करता था। मेघा को एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने उसे पीट डाला। उसी दौरान अर्ली क्लासेस में उनकी एक बेस्ट फ्रेंड भी बनी संपूर्णा, जो आज तक उनकी बेस्ट फ्रेंड है। मेघा बताती है कि उनकी उस फ्रेंड पर तभी से एक्टर बनने का भूत सवार था, और वो पढ़ाई में मेघा से जस्ट अपोजिट काफी वीक थी। इसी वजह से उनकी स्कूल टीचर्स उन्हें संपूर्णा से दूर रहने की एडवाइस दिया करती थी, पर मेघा कभी नहीं बदली और उनकी वो फ्रेंडशिप आज तक बरकरार है। आज उनकी वो फ्रेंड संपूर्णा मेघा की तरह एक एक्ट्रेस है। थर्ड टाइम बीतता गया और मेघा का इंटरेस्ट उनकी माँ की वजह से डांस में भी आने लगा। मेघा बताती है कि लाइफ में फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस वो कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो डांस उनकी माँ ने उन्हें बहुत मेहनत करके प्रिपेयर करवाया था, पर मेघा ने पूरा डांस सिर्फ जमीन को देखते हुए परफॉर्म किया। उस टाइम उनकी माँ ने उन्हें बहुत डांटा था और तभी से मेघा ने डांस करना कभी बंद नहीं किया। तब से ही मेघा के मन में बस एक ही सपना था, डांसर बनने का। बचपन में मेघा कथक की ट्रेनिंग भी ले चुकी है, पर स्टडीज पर फोकस करने की वजह से वो उसे कंटिन्यू नहीं कर सकी। खैर, डांसर तक का सपना रखने वाली मेघा ने कभी एक्टर बनने के बारे में सोचा भी नहीं था। तभी उनके एक फ्रेंड ने उन्हें ऑडिशन के बारे में बताया। मेघा तब एक्टिंग को लेकर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी और ऑडिशन के नाम से इतनी नर्वस थी कि बाहर बैठे हुए लोगों को अपने आगे आगे ऑडिशन के लिए भेजती रही। खैर, जब मेघा का फाइनली नंबर आया तो अनएक्सपेक्टेडली वो सेलेक्ट कर ली गई। वो फियर फाइल्स जैसा एक बंगाली टीवी शो था जिसका नाम था जो तो हाशी तो रन्ना। इसके बाद कुछ और बंगाली टीवी शोज में एपिसोडिक रोल्स और 2014 में एक्शन नाम की बंगाली मूवी करने के बाद उन्हें अपनी एक्टिंग के डिसीजन पर कॉन्फिडेंस आने लगा, और इसके बाद मेघा को मुंबई तक का रास्ता तय करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मेघा बताती है कि तब काफी प्रोडक्शन हाउसेस दुर्गा पूजा के दौरान फ्रेश फेसेस सेलेक्ट करके उन्हें ले जाया करते थे। तभी एक बार शशि प्रोडक्शन हाउस कोलकाता में ऑडिशन लेने आए, पर मेघा का ऑडिशन तो उन्हें अच्छा लगा पर उनकी हिंदी उन्हें पसंद नहीं आई, जिसपे मेघा ने उनसे अपनी हिंदी इम्प्रूव करने का प्रॉमिस किया। और बस फिर किस्मत से मेघा को भी सेलेक्ट कर लिया गया और वो मुंबई शिफ्ट हो गई। उनके पेरेंट्स हमेशा उनके सपोर्ट में रहे, पर मुंबई जैसे अनजाने शहर में उनका अपना कोई नहीं था। और एक और एक्ट्रेस रिया सेन गुप्ता, जो मेघा के साथ ही सेलेक्ट की गई थी, उन्होंने मेघा को अपने घर पर रखा था, इसलिए मेघा उनका वो सपोर्ट आज तक नहीं भूली और आज भी उन्हें याद करती है। खैर, तो उनको करियर की शुरुआत मिली थी बड़ी देवरानी टीवी शो से, और ये उनकी लाइफ का पहला लीड ब्रेक था। इसके बाद वो 2016 में ख्वाबों की जमीन पर और पेशवा बाजीराव में काम कर चुकी है, जिसमें से पेशवा बाजीराव एक हिस्टोरिकल शो उनके पिछले निभाए कैरेक्टर से काफी अलग था। इस रोल का ऑडिशन ग्रैब कर पाना उनके लिए काफी बड़ी बात थी। जब वो इस शो का ऑडिशन देने गई तो उन्हें नेक्स्ट डे के मॉक शूट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, पर शो के लीड एक्टर करण के उस दिन अवेलेबल ना होने की वजह से उसे कैंसिल करना पड़ा। तब मेघा को बहुत डाउट हो गया था कि उन्हें सेलेक्ट किया भी गया है या नहीं, पर नेक्स्ट डे अगेन उन्हें बुलाकर जब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया गया तब उन्हें विश्वास हुआ कि वो इस रोल के लिए सच में सेलेक्ट कर ली गई है। इस रोल
के लिए उन्होंने तलवारबाजी और हॉर्स राइडिंग सीखी थी, पर तब लोग मेघा को उनके नाम से नहीं जानते थे, बस कहा करते थे कि जिसने भी मस्तानी का रोल प्ले किया है वो रोल बहुत ही अच्छा निभाया है। पर मेघा को फाइनली पहचान मिली अपने शो कृष्णा चली लंदन से और इस शो को सभी ने पसंद किया और मेघा और गौरव सरीन की जोड़ी सभी को बहुत पसंद भी आई। पर गौरव के शो से एग्जिट के बाद काफी लोगों ने ब्लेम कृष्णा यानी मेघा के कैरेक्टर पर डाला, जिस पर मेघा ने ये कहा था कि इसमें उनकी क्या गलती, वो तो एक आर्टिस्ट है जो अपनी जॉब निभा रही है। खैर फिर 2018 में कन्फेशंस और 2021 में डेजर्ट टीयर्स में काम करने के अलावा कातेलाल सन्स में गरिमा के रोल से इमेंसली वो पॉपुलैरिटी लूट पाई है और इस शो में उनके को स्टार अग्नि यानी साहिल फुल के साथ भी वो काफी अच्छा बॉन्ड शेयर कर रही है। और जहां पहले मेघा को अच्छे से हिंदी भी नहीं आती थी, वहीं आज वो काफी अच्छी हरियाणवी भी बोल लेती है। पर मेघा का कहना है कि उन्हें कॉमेडी रोल करना ज्यादा पसंद है और यदि उन्हें आगे भी और भी अपॉर्चुनिटीज मिली तो वो अपनी काबिलियत और अच्छे से प्रूव कर सकती है। तो ये तो बात हुई उनके करियर की, अब थोड़ा उनके पर्सनल इंसिडेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। मेघा एक बहुत बड़ी पैट लवर है और घर से बाहर जाते टाइम वो स्ट्री डॉग्स के लिए बिस्किट जरूर लेकर जाती है। 2014 में जब वो मुंबई शिफ्ट हुई थी तब उन्होंने एक इंजर्ड स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट किया था। वो इनिशियली उस पर ध्यान नहीं दे पाती थी पर बाद में उन्होंने अपना बेस्ट दिया और आज वो डॉग बैटल लाइफ जी रही है और कोलकाता में मेघा के पेरेंट्स के साथ रह रही है। मेघा को शाहरुख खान इतने पसंद है कि वो बचपन से उनसे मिलना भी चाहती थी। मुंबई शिफ्ट होने के बाद एक बार उनकी कजन सिस्टर के घर के पास शाहरुख का एक कॉन्सर्ट हुआ था, तब तो वो उन्हें दूर से ही देख पाई पर वो भीड़ में उनसे नहीं मिलना चाहती थी बल्कि आज भी पर्सनली उनसे मिलकर बात करना चाहती है। लास्टली मेघा लोअर सिटिंग ज्यादा पसंद करती है और इसलिए उनके घर में लोअर सिटिंग बेड्स ही देखने को मिलते हैं। तो ये थी एक छोटी सी अनजानी सी स्टोरी मेघा चक्रवर्ती की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि हाँ तो आपको क्या करना है आप खुद भी जानते हैं। इस वीडियो को करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ अपना थोड़ा बहुत प्यार मुझे भी दे देना कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड बी हैप्पी। रोल रोल एक्शन सामान पैक करने लगे। कोई बात नहीं।